तो यहाँ का व्यू चेक कीजिए, जैसे ही मटन रेडी हुआ लोग लाइन लगा के खड़े हुए अपना सीट ढूंढ रहे हैं, अंदर में लोग बैठ करके खा रहे हैं, मटन का प्लेट लगा ली और मटन इंजॉय कर रहे हैं। कैसा होता है भैया? बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम खूबसूरत टेस्ट है, बढ़िया लगता है कि यहाँ से दूर दूर तक ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलता। गर्दन पर बिस्मिल्लाह करता है। अच्छा, तो सारा मटन जा रहा है भगोना में। क्या रेट रखे हैं मटन का अंकल? 120 रुपया हाफ प्लेट। अच्छा, 200 रुपया फुल प्लेट, 4 पीस मटन है जी, चावल रोटी फ्री है, जितना खाइए। खड़ा मसाला है ये सब, जो कूटे हैं, जो भुने उलाए थे इसको जी। ये जा रहा है मटन में खड़ा मसाला, और मटन का कलर देखिए काफी बढ़िया लग रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों एक बार फिर आपको बेहतरीन जगह पे लेके, तो वैसे फिलहाल अभी हम लोग है महेशकूट के गोगरी जमालपुर में, और अभी हम है आदर्श होटल में, और अभी हमारे साथ है आदर्श होटल के को ओनर दयाराम जी। ना जी, कैसा होता है यहाँ का मटन? यहाँ मटन एक बार सर सेवा करने दीजिए सर। अच्छा, एक बार खाइए फिर आप आ जाएगा सर समझ में कैसा मटन बनाते हैं। ठीक है, तो काफी दिन से हमको कॉल कर रहे थे, बुला रहे थे, इनवाइट कर रहे थे कि आइए एक बार हमारे यहाँ का मटन देखिए, टेस्ट कीजिए कैसा होता है। तो चलिए आपको यहाँ का फुल प्रोसेसिंग दिखाते हैं मटन बनाने का, एक बार चेक करिएगा मटन खा के, तब चेक बताइएगा कैसा मटन कैसा बनता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ का फुल प्रोसेसिंग। लहसुन फटक रहे हैं ना अंकल जी? हाँ, लहसुन फटक रहे हैं। अच्छा, ये सारा कूचिएगा? ये फटक करके कूटेंगे मीन से। हाँ, मीन से कूट करके। अच्छा, इसको लाल किया जाएगा, लाल करके। हाँ, आधी लहसुन कूट करके लाल करके दिया जाता है, भूज करके। अच्छा, लहसुन में अब जा रहा है अदरक ना? वैसे बहुत जगह अदरक यूज किया नहीं जाता है, यहाँ पे अदरक भी यूज करते हैं ना अंकल जी? अदरक यूज किया जाता है, इसी से मसाला रस आता है। अच्छा, मसाला का रस बढ़िया टेस्ट बनता है। ये गया सारा लहसुन खोल मिसल में, और अब जा रहा है अदरक। अच्छा, ये सब को धो लेते हैं ना? लहसुन को नहीं धोते हैं, करके गंदा निकल जाता मट्टी उट्टी। तो फिलहाल इधर देखिए पूरा देहाती तरीके से बोरा बिछा करके भाई अंकल जी यहाँ बैठ गए, बढ़िया से पालथी मार करके, और फल मुसल में कूटा जाएगा इनका लहसुन और इधर अदरक। वैसे पूरा घर की तरह बनाते हैं ना अंकल जी? हाँ, पूरा घर के तरह, घरों से बढ़िया बेजोड़ बनता है, घरों से बेजोड़ बनता है यहाँ मटन। हाँ, अच्छा, घर पर ऐसा टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, जैसा यहाँ टेस्ट आता है, घर पर ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा जैसा आप देंगे। अच्छा, कितना है लहसुन ये? ये आधा किलो है। आधा केजी, आधा केजी लहसुन है, 200 ग्राम आदि है। ठीक है, तो फिलहाल इधर फोरन का मटेरियल रेडी कर, क्या क्या हो गया इसमें अंकल जी? ये खड़ा मसाला है, लाल मिर्च है, सब मिला हुआ है, गरम मसाला। अच्छा, एक अलग से भी बना रहे हैं ये गरम खसम मसाला, मिला के गरम करके कूटेंगे इसको। अच्छा, पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, इसको भूंज के पेस्ट बना देते हैं जी, और ये खड़ा जाएगा जी। अच्छा, इधर क्या कर रहे हैं अंकल? ये लकड़ी डाल रहे। अच्छा, यहाँ मतलब सारा काम लकड़ी पे ही होता है ना जी? अच्छा, लकड़ी पे ही मटन बनाते हर काम? सब काम लकड़ी, खाना बनता है लकड़ी। ये जा रहा है इसके ऊपर भगोना। तो नेक्स्ट इधर फोरन का मसाला जा रहा है भगोना में, और इसको भूंज लेना है बढ़िया से ना अंकल? अच्छा, भगोना में जो है इधर ये लेप लगा देते हैं ना अंकल जी? ये लेप लगाते हैं, ये लकड़ी का आँच लगता है ना, कालिक बैठ जाता है इसमें। बड़ा शहर नहीं है यहाँ जी। अच्छा, इसको ऐसे ही मिलाते हैं हिला करके। ये आ गया सारा फोरन, जिसको खोल मुसल में कूट करके पेस्ट बना लेंगे। अब ये आया पतीला, तो मटन बनाने का प्रोसेसिंग शुरू हो गया ना अंकल जी? अब जा रहा है इसमें सरसों का तेल ना जी? कितना डालते हैं? 1.5 किलो। 1.5 केजी जी। लहसुन कूटा गया ना अंकल अच्छे से? अच्छा, लहसुन कूटा गया, इसको एक साइड निकाल लेते हैं ना। आधी आलू कूट रहे जी, कूटेंगे मीन से। अब अदरक को कूटिएगा ना? अदरक कूटेंगे अब। तो अब जा रहा है इसमें अदरक, ये देखिए कितना है ये अंकल जी? 200 ग्राम है। 200 ग्राम ना। अच्छा, सारा प्याज को जो है पूरा धो करके निकालते हैं ना अंकल जी? अच्छा, पानी दे देख रहे हैं कैसा हो गया है जी? जी, सारा साफ सुथरा से यहाँ काम होता है ना जी? तो इधर प्याज कटना शुरू हो गया ना अंकल जी? तो
टोटल कितना प्याज काटिएगा अभी? 7 किलो। 7 केजी जी। वैसे गमछा से अच्छा से चक्कू को फंसा लिए, एकदम हसुआ बना लिए ना? हसुआ बना लिए, बैठी जिसको कहा जाता है घर में। पतीला गर्म हो गया है ना कल? जी। अब जाएगा इसमें फोड़न? जी। तो तेल हीट होने के बाद गया फोड़न। नेक्स्ट जा रहा है लहसुन और अदरक ना अंकल? लहसुन अदरक ये फोरन में ही डाल देते हैं, पूरा तेल जो है खोल रहा है ऊपर से। आपका बनाने का तरीका ऐसे ही है क्या? जी। तो अब जा रहा है नमक में? नमक ना। अच्छा पहले ये मसाला ही डाल देते हैं? जी। अच्छा अब जा रहा है इसमें हल्दी ना? हल्दी पाउडर जा रहा है। कितना डालते हैं ये सब? 100 ग्राम। 100 ग्राम ना। और इधर आ गया आपका लाल मिर्च? मिर्च पाउडर। मिर्च का पाउडर। वैसे ये सब पन्नी में रखते हैं, रेडीमेड यूज नहीं करते हैं? दुकान का खरीदा हुआ? दुकाने से लाते हैं। अच्छा दुकान से ही लाते हैं जी। और कुछ जाएगा? नहीं इसमें जा रहा है गर्म पानी हल्का सा। आपको बनाने में काफी दिक्कत होता होगा, हम 5 मिनट ही खड़ा रहे, आँख से पूरा पानी आ रहा है। दिक्कत हम लोग को आदत बना हुआ है सर। कितना साल से मटन बना रहे हैं आप? लगभग 15 साल से। 15 साल से जी। मसाला भून के तैयार हो गया है, अब इसमें प्याज गिरेगा। अच्छा अब जा रहा है इसमें कटा हुआ प्याज ना? जी। ठीक है। वैसे अंकल जी इधर प्याज काट रहे हैं और ये गया भगोना में सारा प्याज, और फिर इधर कटना शुरू हो गया। वैसे बारी बारी से डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना गलने उलने में? कोई दिक्कत नहीं सर, प्याज को तो गलने ना है, रस बनाना है। जी। और इधर मटन आ गया क्या अंकल? जी। अच्छा ये साइकिल से आ गया बोरा भर के मटन। क्या बोले अंकल? यहाँ पूछता है जी हलाल है कि झटका है? हाँ। अनचोक से पूछता है हलाल है कि झटका है। अच्छा। हम लोग हिंदू। हाँ। हम तो डलते नहीं, गर्दन पर बिस्मिल्लाह करता है। अच्छा। हाँ। बिस्मिल्लाह करके चाकू चलाता है। चाकू चलाता है। हाँ। उसको कहता है हलाल। हाँ। जो खस्सी पाठा दुर्गा थान में ऊपर से जो छो मारता है उसको कहता है झटका। झटका। अच्छा तो वो नहीं खाएगा। तो इधर सारा मटन को जो है पन्नी से निकाला जा रहा है ना अंकल जी? जी। अच्छा सबको धोइएगा? जी इसको धोएंगे। कितना मटन लाए हैं? 10 केजी है। 10 केजी ना। ये आ गया मटन का तीसरा पन्नी, और जो तेल वाला पीस है उसको साइड रख रहे हैं क्या? वो चूसता है। तो फिलहाल इधर मटन को जो है बढ़िया से साफ करते हैं। वैसे अधिकतर जगह जो है मटन साफ नहीं किया जाता। वैसे प्याज गल गया पूरा? जी देखिए पूरा लाल कर लिया है ना। नेक्स्ट जा रहा है इसमें सारा मटन। तो सारा मटन जा रहा है भगोना में। क्या रेट रखे हैं मटन का? 120 रुपया हाफ प्लेट। अच्छा 200 रुपया फुल प्लेट। 4 पीस मटन है जी, चावल रोटी फ्री है जितना खाइए। 4 पीस मटन चावल रोटी फ्री जितना खाइए। अच्छा जी जितना खाइए। वैसे कितना खसी कट गया होगा इस मटन में? 10 किलो है। तो एक खसी पूरा कट गया होगा ना। एक पीस कितना ग्राम का रहता है कुछ आइडिया है आपको? ये 50 ग्राम के। अच्छा 50 ग्राम का एक पीस रहता है। 120 रुपया में कितना पीस रहता है? 2 पीस रहता है। 2 पीस ना। 2 पीस रहता है, 1 प्लेट चावल रहता है। अच्छा यार रोटी खाइएगा तब 5 गो रोटी मिलेगी। अच्छा तो अभी से मटन बनने में कितना देर लगेगा? 1 घंटा तो लग ही जाएगा। 1 घंटा करीब मटन सीजने में लगता है ना? जी। तो फिलहाल इधर जो चुस्ता भर रहे हैं ना? जी। ये चुस्ता में लगा हुआ ही रहता है, तेल रहता है, तेल भरा जाता है। अच्छा इसको रस्सी से पैक कर लेते हैं जी ताकि बाहर निकल ना जाए। अब जो है लड़ को पीस वाइज करके डाल देते हैं ना जी। इसका कोई चार्ज नहीं लगता होगा? कोई चार्ज नहीं। अच्छा ये फ्री रहता? चुस्ता डाल दिए? नहीं। अच्छा अब जा रहा है इसमें चुस्ता। वैसे चुस्ता का क्या रेट है आपका? फुल प्लेट है। फुल? अच्छा फुल 120 रुपया में? नहीं 200 रुपया में फुल है। 200 रुपया में फुल है ना? 120 में हाफ है। अच्छा वैसे सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन सा पीस रहता है इसमें से आपका? बहुत सा पीस है, सीनो है, करेली है। अच्छा चुस्ता है, कलेजी है, जो जिसको जैसा होता है वैसा मांग करता है। तो नेक्स्ट इधर जो है जो स्टार्टिंग में फोरन निकाले थे अब उसको पेस्ट बनाना है ना? जी। और ये जाएगा मटन में ना? जी। वैसे मटन कितना रेडी हो गया है आपका? आधा हो गया। वैसे अंकल दुकान की शुरुआत कैसे किए थे आप? दुकान की शुरुआत पहले तो नाश्ता की दुकान खोले थे। अच्छा
दो चार पाँच साल नाश्ता का दुकान चला है। पाँच साल चला है, पाँच साल बहुत दिन हो गया। अच्छा, वैसे जब मटन शुरू किए थे कितना केजी शुरू किए थे बनाना? तीन केजी से। तीन केजी से, अभी दस केजी प्लस। तीन केजी से शुरू किए, पचास केजी तक बनाए। पचास केजी तक बनाए जब लॉकडाउन लग गया। हाँ, तो फिर लोग आदमी धीरे धीरे दुकान में कम खाने लगा। अच्छा, तो फिर आप फिर शुरुआत किए लॉकडाउन के बाद? अच्छा, तो भाई पाँच किलो, छः किलो, आठ किलो, दस किलो यही बनता है। मतलब मेन लॉकडाउन आप लोग का जो है बिजनेस को बंद कर दिया ना? जी। वैसे फिर से ढक्कन को हटा रहे हैं ना अंकल जी। मटन का कलर देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और समझिए कि 75% रेडी हो चुका है मटन। और पूरा लकड़ी के आँच पे मटन को भूनते रहते हैं जी, भुना हुआ मटन खिलाते हैं। अगर आँच कम करना होता तो लकड़ी खींच लेते हैं। लकड़ी खींच लेते हैं, जैसे गैस सब में हुआ कि घुमा दिए कम हो गया यार, इसमें लकड़ी खींच लेते हैं जी। अच्छा, वैसे सुने आपका एक आदमी काफ़ी ज़्यादा पीस खा लेता है। वो रेस्टोरेंट जो आता है लिखा पढ़ी हमने जी, एक आदमी आता है तो दस पीस, बीस बीस पीस, चालीस चालीस पीस खा जाता है। बीस बीस चालीस पीस जी। अच्छा, ये सही बोल रहे हैं या फिर ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, सही हकीकत बोल रहे हैं। 40 पीस तो बहुत ज़्यादा हो गया। ज़्यादा के खाने वाला के लिए डेढ़ किलो दो किलो मीट कैसे ज़्यादा, दो किलो अढ़ाई किलो तक खा जाता है खाने वाला एक हजार। अच्छा, तो अब जो है मटन में जा रहा है आपका लास्ट टचअप हो गया ना? हाँ, खड़ा मसाला है ये सब जो कूटे हैं, जो भुने उलाए थे इसको जी। ये जा रहा है मटन में खड़ा मसाला, और मटन का कलर देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब मटन में कुछ नहीं जाएगा ना? कुछ नहीं जाएगा, हो गया। वैसे मसाला सबको भी जो है पूरा खोल मुसल में ही कूटते हैं, मशीन का कहीं यूज नहीं है? नहीं। अच्छा, टाइमिंग क्या हो गया यहाँ मटन खाने का अंकल? 10 बजे से। 10 बजे से लेकर शाम जब जब तक मटन रहेगा, 3 बजे तक मटन रहेगा तो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद नहीं बनेगा। अच्छा, जितना बजे मटन खत्म हो जाए दुकान बंद। वैसे इधर क्या कर रहे हैं अंकल जी? इसको चेक करेंगे, पीस को चेक कर रहे हैं ना, सीजा है कि नहीं सीजा है। अच्छा, पीस तो एक भी चेक हो सकता है इनकी, वो सीजा है कि नहीं? नहीं, दो चार पीस चेक हो सकता है। एक पीस से कैसे, सीनों का अलग होता है। अच्छा। जॉब का अलग होता है, सबका क्वालिटी अलग अलग। अच्छा, इसीलिए सारा पीस को देखिए वहाँ निकाल लिए जी, वहाँ हर पीस को चेक करते हैं ना सीजा है या नहीं। कितना पीस चौपरिन होता है, जल्दी नहीं सीजता है। अच्छा, सीजा है? सीज गया। सीज गया ना। अब सारा मटन जा रहा भगोना में, और मटन का कलर देखिए काफ़ी हेवी लग रहा है, और पानी का भी बिल्कुल यूज नहीं किया। नहीं सर। हाँ, और ग्रेवी देखिए जितना है प्याज का ग्रेवी आया हुआ जी, और रंगत काफ़ी बढ़िया है। कुछ एक्स्ट्रा आलतू फालतू मसाला यूज नहीं करता। कुछ नहीं। और करीब 10 मिनट लगेगा ना? बन गया। बन गया जी। ठीक, अब खाने वाला का इंतजार है। अच्छा, खाने वाला का इंतजार है। इधर रोटी रेडी कर रहे हैं ना? हाँ, रोटी रेडी कर रहे। अच्छा, माल तैयारी हो गया है। 2 पीस मीट, 5 रोटी, 120 रुपया। फुल प्लेट 4 पीस मीट, 4 पीस मीट और चावल रोटी फ्री है। अच्छा, 4 पीस मीट चावल रोटी फ्री है? फ्री। तो फिलहाल इधर मटन रेडी हो गया ना अंकल जी? पूरा रोगन ऊपर तैर रहा है क्या जी? वाह, पानी तो अभी तक डाले भी नहीं और डालेंगे भी नहीं ना? नहीं, हो गया तो बन गया। बन गया, स्टू बनता है। अच्छा, स्टू मटन बनाते हैं जी। वैसे मटन का रंगत देखिए काफी बढ़िया लग रहा होगा, आप देख करके मुंह में पानी आ रहा होगा। ये देखिए, यहाँ बहुत बहुत दूर से आते हैं खाने के लिए। अच्छा, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग ना? अच्छा, कहाँ कहाँ से आते हैं फिलहाल? यहाँ जितना लोकल है खगड़िया से, लोकल हो गया जैसे परवत्ता हो गया जी, मरैया हो गया जी, जमालपुर हो गया, इन्हें गोगरी हो गया, सागर के, मतलब लोकल से अगल बगल सब जगह से आते खाने ना। अच्छा अच्छा, ये पैकिंग हो रहा है क्या अंकल जी? जी, घर में लोग टिफिन ला रहे हैं घर ले जाने के लिए क्या? घर जाने के लिए पार्सल हो रहा है। अच्छा, तो इधर जैसे ही मटन रेडी हुआ आदर्श होटल का, भैया लोग भी मटन का प्लेट लगा लिया और मटन इंजॉय कर रहे हैं। कैसा होता है भैया? बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम खूबसूरत टेस्ट है, बढ़िया लगता है। यहाँ से दूर दूर तक ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, कहीं हम लोग यहाँ पर लमसम में हफ्ता में 1 या 2 दिन आ जाते हैं कंटिन्यू, बीच बीच में खाने के लिए। और यहाँ एक खासियत है कि सुबह का नाश्ता में मटन ही चलता है। मटन ही चलता है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग लोकल ही हुए, मुस्कीपुर का हुए। अच्छा, साथ में ही है? हाँ, साथ में ही। आपको कैसा लगा भैया? जी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। ये आदर्श होटल मटन के लिए फेमस है। अच्छा, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत अच्छे से खिलाते भी है। और अच्छा, आप लोग साथ में आए, आप एक दूसरे को लेके आए थे? नहीं, हम दूसरे
आए और साथ में ही है और अक्सर बराबर सप्ताह में एक दो दिन आते हैं आते हैं ये ना आते टेस्ट काफी बढ़िया होता है बहुत बढ़िया कैसा टेस्ट लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है कब से आ रहे खाने तो सप्ताह में आ जाते हैं खाने ना आप लोकल ही हैं जैसे गमछा गंजी में आए तो लोकल ही हैं क्या हाँ। अच्छा सुबह का नाश्ता मटन ही करते हैं चलिए काफी बढ़िया खाइए तो यहाँ का व्यू चेक कीजिए जैसे ही मटन रेडी हुआ लोग लाइन लगा के खड़े हुए अपना सीट ढूंढ रहे हैं अंदर में लोग बैठ करके खा रहे हैं तो चलिए फाइनली इधर मटन भी रेडी हो गया और हमारा प्लेट भी रेडी हो गया तो करते आदर्श होटल के मटन को टेस्ट काफ़ी नाम सुने हैं और पहले भी टेस्ट किए हैं लेकिन काफ़ी टाइम पहले इधर देखिए इनका पीस काफ़ी बढ़िया पीस होता है और 50 ग्राम का पीस खिलाते और फुल प्लेट लिए हुए हैं 200 रुपया में 4 पीस और यहाँ का ग्रेवी देखिए ग्रेवी दिखाते आपको ग्रेवी का थिकनेस देखिए काफ़ी बढ़िया पूरा प्याज का ग्रेवी और पानी बिल्कुल नहीं यूज किया हल्का से यूज किया वो भी स्टार्टिंग में और पीस देखिए ये देखिए नली वाला पीस काफ़ी बढ़िया से सीज गया है तो चलिए करते हैं टेस्ट देखिए ये आ गया ग्रेवी और ये आ गया इनका चावल चलिए करते हैं टेस्ट काफ़ी बढ़िया मसाला जो डाले हैं लास्ट में जो मसाला डाले थे जो फ़ौरन के लिए साइड किए थे उसका स्वाद काफ़ी बढ़िया आ रहा है और फालतू मसाला ज़्यादा यूज करते नहीं है हल्का सा मसाला यूज़ करते हैं जो कि टेस्ट ज़्यादा दे रहा है और जैसे ही मटन रेडी उधर देखिए लोग भी आ रहे खाने के लिए लाइन लगने लगा है और इस चौक पे गोगरी जमालपुर के कचहरी मोड़ पे काफ़ी नाम है इनका बढ़िया क्या करते हैं इनके पीस को टेस्ट करते हैं ये देखिए ये आ गया इनका मटन का पीस इधर आइए ये देखिए कितना बढ़िया ये देखिए कितना बढ़िया से सिझा हुआ हल्का सा दाबे टूट गया देख रहे निकल जा रहा काफ़ी बढ़िया तो क्या करते हैं ये लेते हैं चावल ये लेते हैं ग्रेवी करते हैं टेस्ट मटन के पीस को भी जो है बढ़िया से सिझाए हुए हैं माउथ में आते के साथ घुल रहा है ऐसा नहीं कि मटन का पीस टाइट है काफ़ी बढ़िया और स्वाद यहाँ का ऐसा है कि अगर आप खाली पेट अगर यहाँ बैठ गए तो पूरा प्लेट ख़त्म करके ही जाइएगा और ग्रेवी चावल तो अनलिमिटेड है ही जितना मन है उतना खा सकते हैं काफ़ी बढ़िया और भूख भी काफ़ी ज़ोरों का लगा हुआ है तो क्या करते हैं जल्द जल्द इस प्लेट को ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय।